Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. यहाँ हम रायपुर से आ रहे हैं, रायपुर से निकले नागपुर, नागपुर से कानपुर। कल वहां आए एक सज्जन हमको मिले, बोले महाराज जी हमने बहुत कथा सुनी है, बहुत सुनी है। हमने कहा ये आपकी गलती है, मैं क्या कर सकता। किसने कहा था सुनने के लिए? बोले नहीं, आपको ये कहना है कि इन कथाओं से हमको कभी लाभ नहीं हुआ। एक दिन कहीं तो भी टीवी पर या कहीं हमने आपका एक वाक्य सुना, उस दिन के बाद हमारे पूरे जीवन में परिवर्तन आ गया। मैं क्या वाक्य था, हमारे भी आ जाए बताओ। तो बोले आपने कहा किसी को खुश करने का प्रयत्न मत करना, क्योंकि भगवान हमको खुश नहीं कर सके। तो जहां भगवान फेल हो गए वहां हम सक्सेसफुल होंगे, यही भगवत गीता है। भगवान ने अर्जुन को सब कुछ बताया और बाद में जाकर के जैसे हम लोग दुराग्रही होते हैं ना, ऐसा करो वैसा करो, अपनी मनवाना, इसी को हम प्रेम कहते हैं। तो कई बार हम जाते लोगों के यहाँ खाना खाने के लिए, वही हमारे जीवन का मूल कार्य है, वही तपस्या है, खाना खाना। और उसमें एक हद बार ज्यादा ही खाना पड़ता है। एक बार हम एक सिंधी के यहाँ गए थे, हमने कहा देखो मैं सुबह से 5 बार खाया हूं, अब नहीं खा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं माने नहीं। स्वामी जी हमने इतना प्यार से बनाया आपके लिए, थोड़ा तो खा लो। हमने कहा देखो मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, भगवद गीता ये नहीं कहती। भगवान ने सब कुछ बताया अर्जुन को और बताने के पश्चात ये भी कहा कि देखो अर्जुन, जो तुमको बताना था वो मैंने बता दिया, अब विमृश एतद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब इस पर तुम चिंतन करो और फिर तुम्हारी मर्जी है वो करो। मैं तुमको अमुक अमुक करो ऐसी जबरदस्ती नहीं करता हूं। छठवें अध्याय में हम पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हमको ये दुनिया में अपना उद्धार करना है, ये दुनिया का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आ जाएंगे, हमको कोई चक्कर करने की जरूरत नहीं। देखो संत, और इस दृष्टि से हम भगवद गीता को पढ़ेंगे। भगवद गीता एक बहुत बड़ा मल्टीप्लेक्स कहो या बहुत बड़ा मॉल कहो, आपको जो चाहे मिल जाता है। बाल गंगाधर तिलक जी को उसमें कर्म मिला, उसके बाद भक्तों को भक्ति मिली, योगियों को योग मिला, ज्ञानियों को ज्ञान मिला, दुखियों को दुख मिला, जो चाहिए मिल जा रहा है। देखो तो हमको वहां खुशी मिली। द्वितीय अध्याय में शुरू करते हैं भगवान, 18वें अध्याय में इसी पर कंक्लूड करते हैं। कहते हैं वहां प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यावधिष्ठते, जो प्रसन्न चित्त है, मस्त है, प्रसन्न है, उसी को परमात्मा के दर्शन होते हैं। सबको नहीं होते, दुखी आदमी को नहीं होते। आपको दुखी आदमी अच्छा लगता है क्या? नहीं, भगवान को भी नहीं लगता, उन्होंने मुझे बताया। इसीलिए प्रसन्न चेतस और भगवान के उपलब्धि के जो लक्षण है 18वें अध्याय में, वहां भी यही बताते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। देखो ब्रह्मभूत जो परमात्मा के साथ एक हो गया है, उसके लक्षण पहले प्रसन्न आत्मा, वो मस्त रहता है, ये है आनंद। तो ये जो भगवान की मस्ती है, ये हमारे हृदय में हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए 6वां अध्याय भगवद गीता का है।
आपको भगवत गीता की कथा तो पता ही है, हम आपको एक और दृष्टिकोण देते हैं। एक बार हम कलकत्ते में थे, बहुत पुरानी बात है, 30 साल पहले की होगी, तो ताजे ताजे गए थे और जन्माष्टमी का समय था, रात के 12 बजे के करीब हम लोग एक जगह पहुंच गए और ये फैन बंद कर देना हो सके तो बहुत हजारों लोग थे और हम एकदम पीछे सबके पीछे खड़े थे। तो स्टेज पर से जो महामाया, कलकत्ते में तो महामाया ही होती है, तो जो महामाया अनाउंस कर रही थी, उसने कहा हमारे बीच स्वामी जी महाराज आ गए हैं, मैं उनको विनती करती हूँ कि वो आ जाए स्टेज पर और हमको आशीर्वचन करे। तो मुझे जाना पड़ा, सबको लताड़ते लताड़ते में गए। वहां जाने के बाद कहते महाराज जी भगवत गीता के बारे में बताइए, भगवान कृष्ण का जन्म समय भगवत गीता भगवान ने उसमें बताई नहीं थी, फिर भी भगवत गीता के बारे में बताइए। अच्छा, मैं शुरू ही करने वाला था तो कहती है स्वामी जी केवल 5 मिनट बाकी भगवान का जन्म होने में, तो 5 मिनट में भगवत गीता में क्या बताया बताइए। अब देखो ये हमारी परीक्षा होती है। हमने कहा देखो भगवान ने यह भगवत गीता की लीला करी है, आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान आपको यदि करना है तो एक सिद्धांत पकड़ लो, यह सब का सब जो चल रहा है ये या तो राम लीला कहो या कृष्ण लीला कहो, लीला में सब कुछ दिखता है हो रहा है लेकिन होता कुछ नहीं, स्टेज पर नहीं होता है। स्टेज पर एक लड़का या लड़की को मिलता है, दोनों एक्टर एक्ट्रेस है, लड़का कहता है कि हनी डार्लिंग आई लव यू, वो भी कहती है ठीक है रख दो अगले इसमें काम आएगा, प्रेम थोड़ी होता है, वो नाटक है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की और भगवान राम की जितनी जीवनी है वो केवल नाटक मात्र है, और इसीलिए जब अर्जुन सामने आया भगवान के बड़ा अकड़ू हम लोगों के जैसा, कई रमया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्रे में, मेरे साथ कौन लड़ाई करना चाहता, देख तो लो, मन में कड़वाहट गुस्सा अभिमान ये लेके आया। तो भगवान ने अपनी लीला शुरू कर दी और भगवान ने क्या किया, उसके सामने ऐसा प्रसंग निर्माण कर दिया जिसके कारण उसके मन में मोह निर्माण हो गया। ये बहुत सूक्ष्म बात है, आपको भाष्यों में नहीं मिलेगी। भगवान ने क्या किया, सभी को छोड़ करके अर्जुन का रथ द्रोणाचार्य भीष्माचार्य के सामने खड़ा कर दिया, कोई जरूरत थी? यदि अर्जुन के रथ को भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने खड़े करते तो अर्जुन को डाउट होता कि युद्ध करूं या ना करूं, समस्या तो यही है। भगवान ने यही सुंदरता से अर्जुन को अपने दादा गुरु के सामने खड़ा कर दिया और जैसे उसने देखा मेरे दादा मेरे गुरु, उसके मन में मोह आ गया। यही से जीवन का सौंदर्य प्रकट होने की पहली परीक्षा है। दुश्मनों से तो सभी निपट सकते हैं, जब अपने ही दुश्मन बन के आते हैं तब जीवन की परीक्षा शुरू हो जाती है। अपना कौन है? अपना मन। हम लोग अपने मन से जितने दुखी है और किसी के कारण दुखी है, तो कितने लोग हमको मिले हैं, सब कुछ ठीक है घर में, बीबी बच्चे सास बहू पोते नाते पोते सब ठीक है, पता नहीं स्वामी जी हमेशा मन उखड़ा उखड़ा रहता है, पता नहीं क्या, सब ठीक ठाक लेकिन मन शांत नहीं है। फिर ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन का एक लक्षण है शॉपिंग करने के लिए, इतना शॉपिंग करेंगे घर में सामान रखने की जगह नहीं है तो एक कमरा और बढ़ा दो, शॉपिंग जरूर करो, ये सब मन का चक्कर है महाराज। इस मन को हमको ठीक करना, ये बताने के लिए भगवद गीता का पूर्ण अवतरण हुआ है।
अब मन की एक एक स्थिति आ जाकर के हम छठवें अध्याय में पहुंचेंगे। पहले हमारे मन में यही होता है कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, नहीं तो विद्म कदर नो गरीयो यद्वा जयम यदि वानो जयम। हमको समझ नहीं आना नहीं आ रहा कि हम ये करें या ना करें। उसके पश्चात भगवान उसको डांटते हैं। डांटने के बाद क्या हो जाता है, उसकी जो विचारधारा है वो बदल जाती है। अब ये पहला सिद्धांत समझ लेना आज का। पहला सिद्धांत है, जैसे आपने देखा होगा अपने शिवरात्रि के समय लोग भंग पीते हैं। भंग पीने में क्या हो जाता है, थॉट फिक्सेशन। यदि आप हंस रहे हो और हंसते हंसते एक गिलास अंदर चला गया तो हंसते ही रहोगे, थॉट फिक्सेशन। यदि रो रहे हो तो रोते ही रहोगे, बोल रहे हो तो बोलते ही रहोगे, हंस रहे हो तो हंसते ही रहोगे, थॉट फिक्सेशन। इसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में थॉट फिक्सेशन हो गया। नोबडी लाइक्स मी इन दिस हाउस, व्हाई आई एम सर्वाइविंग, हो गया थॉट फिक्सेशन। और उसी को लेकर के पूरा जीवन चलता है। तो ये थॉट फिक्सेशन से हटने के लिए भगवान ने अर्जुन के सामने ये समस्या खड़ी कर दी। पहला थॉट फिक्सेशन था कि मैं देखता हूं कौन मेरे साथ युद्ध करता है, और दूसरा थॉट फिक्सेशन आ गया मैं कैसे अपनों को मारूं। और जब आदमी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो भगवान उसको लताड़ना शुरू कर देते हैं। जो वो बेवकूफ होता है उसको समझदारी की भाषा समझ में नहीं आती। इसीलिए भगवान कहते हैं क्लैब्यम आस्मगम अपार्थ अर्जुन नपुसक मत बनो। अब देखो युद्ध के मैदान में एक योद्धा को नपुसक कहे तो अपने आप चैनल चेंज हो गए। कई बार हम टीवी देखते ना यूजलेस आता है तो चैनल चेंज कर देते हैं। तो आज का सिद्धांत यही है, लर्न टू चेंज द टॉपिक। देखो कई बार हमको लोग उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी आपने कितने बार शादी करी थी। हम उनसे गुस्सा करने के स्थान पर हम टॉपिक बदल देते, आपसे तो कमी करी थी भैया। तो लाइट हो जाता है आदमी, गुस्से की जरूरत नहीं और टॉपिक बदल जाता है। किसी भी एक विषय को ज्यादा पकड़ के मत रखो, काम हो गया छोड़ के निकल जाओ। देखो जैसे यहां आते एक घंटा बैठ के निकल जाते, कुछ ले नहीं जाते साथ में, वैसे ही जीने में रहो, कुछ ले मत जाओ। हमारा ये सिद्धांत बड़ा सिंपल है, जैसे आप सत्संग सुनते हो ना तैसे दुनिया की बातें सुनो। सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कितने महात्मा आगे चले गए, असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः। उसी प्रकार से कितने लोग आके कह के चले गए, क्या फर्क पड़ता है, रिलैक्स। उसके पश्चात अर्जुन को जो महत्व का सिद्धांत भगवान ने बताया, पूरी भगवद गीता का ये आत्मा है और उस आत्मा का नाम है समत्वम योग उच्चते। मन के संतुलन को बनाए रखना ये आध्यात्मिक साधना की पराकाष्ठा है। जो भी आप कर रहे हो, चाहे कर्म करो, चाहे योग करो, चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान करो, इन सब का प्रभाव मन के संतुलन को टिकाए के रखने में है। यदि हमारे मन का संतुलन नहीं टिका तो आपने आज तक जो भी किया है सब गंगा जी में बह गया। मन का संतुलन ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। और इसीलिए ये सिद्धांत द्वितीय अध्याय में बताने के पश्चात जब अर्जुन की बात आती है तो अर्जुन को भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन पहले हमको अपने व्यक्तित्व को रीडिफाइन करना है। ध्यान से सुनना, किस व्यक्ति को ये मालूम नहीं है कि टीचर का क्या कर्तव्य होता है, किस विद्यार्थी को ये मालूम नहीं है कि विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होता है, किस पत्नी को ये मालूम नहीं है कि पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, किस पति को ये मालूम नहीं है कि पति का क्या कर्तव्य होता है, ये तो सबको मालूम है। फिर क्या हो जाता है, एक क्षण के लिए हम भूल जाते हैं, एक क्षण के लिए। तो उसी क्षण में सब सत्यानाश के बीज बो गए। इससे बचने के लिए भगवान का सिद्धांत समझ लो,
हमको इस जगत में अपने आप को बिजी रखना है. डोंट कीप योर सेल्फ विदाउट एनी ऑक्यूपेशन. नेवर अप फॉर वीआरएस वायरस. जितने भी ये वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले होते हैं ना, उनके घर के माताओं को पूछो, वो तो देखती जरा आप बाहर घूम के आओ ना, सुबह से बैठे रहते. और जब आदमी खामोखा घर में बैठा रहता है तो खाने की सिवा दूसरा विचार ही नहीं कर सकता. देखो हाँ, चाय में क्या बन रहा है, तुम्हारा सर क्या बन रहा है. अपने आप को बिजी रखना है. अब बिजी रखने का टेक्निक बताते हैं. यदि हम अपने कर्तव्य कर्म स्वयं करें तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा. देखो जब उठ करके अपना बिस्तर ठीक कर लिया, फिर अपने कपड़ों को धो लिया, नहा धो करके थोड़ा बहुत गार्डनिंग कर लिया, वॉक करने के लिए चले गए. देखो कीप योर सेल्फ 100% ऑक्यूपाइड. और ये इसलिए करना है कि ये हमारी आवश्यकता है. अब ये महत्व का सिद्धांत है, जो भी हम करते हैं इसकी दुनिया को आवश्यकता नहीं है. जब हम नहीं थे दुनिया में कोई कमी नहीं थी महाराज, जब हम चले जाएंगे तो भी कोई कमी नहीं होगी. मेरे विश्वास नहीं है तो जाके देखो, कोई कमी नहीं है. आज तक कितने आके चले गए, क्या फर्क पड़ा. लेकिन हमको लगता है कोई नहीं सदृश हो माया, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, सब शांति होगी. देखो इसीलिए हम अपने आप को बिजी रखें. पहली बार अब बिजी दो प्रकार से रख सकते हैं. एक तो क्रोध होकर के बिजी रखो. देखो एक साउथ इंडियन लड़की पंजाबी घर में गई शादी होगी. साउथ इंडियन माने इडली डोसा, पंजाबी माने पराठा. अब उसको बिचारी को वो पराठा बेलना बड़ी परेशानी, कभी आता ही नहीं था. पहली बार बनाया तो न्यूजीलैंड बना, दूसरी बार बनाया तो जापान बना, ऑस्ट्रेलिया तो कभी बना ही नहीं, फॉरगेट अबाउट द ग्लोब. तो रोज उसका वही धंधा, गुस्सा, पता नहीं मैं क्यों घर में आई शादी करके, रोटी बना बना करके मेरे हाथ खत्म हो गए. ऐसा व्यक्ति जो रोध होकर के काम करता है वो कभी भी जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर सकता. तो क्या करना है, भगवान के शब्द है, जो भी करना है आनंद को प्राप्त करने के लिए मत करो. तो हम कर्मयोग का सिद्धांत बता रहे हैं आपको, जो भी करना है खुशी को प्राप्त करने के लिए मत करो. जो भी करना है उसमें आनंद व्यक्त होए, एक्सप्रेस हैप्पीनेस थ्रू एक्शन. नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि खुश हो जाएंगे. जैसे लोग शादियां करते हैं इसलिए शादी के बाद खुश हो जाएंगे, ये आपकी भ्रांति है. खुशी से शादी करो. एक बार एक अंग्रेज हमको मिला किसी शादी में, बच्चे की जने हुई थी. उसने कहा कि हमने सुना तो है इंडिया में बच्चों की शादी होती, इसकी बीबी कहा है. हमने कहा महाराज ये शादी नहीं है, ये जनेऊ होता है. बोले मुझे पूछना है आपको, ये इंडिया की लड़कियां जब शादी होती तो रोती क्यों है, लड़का नहीं रोता. हमने कहा एक ही दिन और होती है जिंदगी में, लड़की की बारी होती है. देखो संतो, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, यही भगवान बताते हैं. भगवान ने पूरी भगवद गीता हंसते हंसते बताई. संजय कहता है धृतराष्ट्र को, प्रहसन इव भारत. जब अर्जुन रो रहा था तो रोते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश हंसते हंसते हल्का फुल्का होके बताया है. ऐसे भी अर्जुन रो रहा है और भगवान उसके साथ जुगलबंदी कर रहे हैं, नहीं बेटा रोना बंद, अब क्या कर सकते हैं, अब तो अपना प्रारंभ नहीं, 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 नहीं रोना धोना बंद कर दो. तो हमारे जीवन का कर्मयोग हो गया, जो भी कर रहे हैं उसमें आनंद प्रकट हो, जो भी बोल रहे हैं उसमें आनंद प्रकट हो, जो भी विचार कर रहे हैं उसमें भी आनंद प्रकट हो. ये जब हम करेंगे तो हल्का फुल्का मन हो गया. और फिर चौथे अध्याय में भगवान, तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं
कि हम जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करते हैं उसी के कारण परेशान होते हैं। तो करना क्या है, कर्म इसलिए करना है कि उसमें टाइम पास हो जाता है। देखो जैसे हम घूम रहे हैं पूरे दुनिया में, हमको कुछ लेना देना नहीं किसी से, तो क्यों घूमते हैं, टाइम पास हो जाता है। एक बार हम आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, मुंबई आए और दूसरे दिन विद इन 24 आवर्स हमारी दूसरी फ्लाइट थी, हम जा रहे थे लंदन। तो जो सज्जन हमको लेने के लिए आए, स्वामी जी मुझे कभी कभी आप पर तरस आता है। क्यों भाई? मुझे देखो अभी आप आए तुरंत चले जाओगे, ना आपका कोई आश्रम है, ना कोई चेले है, ना कुछ है, क्यों दड़ाबाजी कर रहे हो? हमने कहा धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना सोचा, अब मैं कैंसिल करता हूं, आज के बाद मैं आपके ही घर रहूंगा। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। हम जाने से हर जगह लोग खुश इसीलिए होते हैं कि हम पहुंचने के पहले हमारी डेट ऑफ डिपार्चर फ्लाइट नंबर पक्का होता है, वो भी खुश हम भी खुश। जब ये सिद्धांत मन में रहेगा तो हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें मैं प्रकट नहीं होवे। कर्मणि अगर मैं यहां पश्ये, चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कर्म में मैं नहीं आनंद प्रकट होवे। फिर पांचवें अध्याय में भगवान बताते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ने तत्त्वविद्। तो साधना यही है, मैं कर रहा हूं अमुक अमुक काम, इसके स्थान पर पैसिव वॉइस का प्रयोग करो। अमुक अमुक काम हो गया यार, अब किसने किया ये महत्व की बात नहीं, काम महत्व की बात है। ऐसा करते करते हम धीरे धीरे हल्के फुल्के होने लग जाएंगे। उसके पश्चात हम छठवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब छठवें अध्याय से हम मन पर कार्य करना शुरू करेंगे। अब इसको पहले समझ लो फिर शुरू करेंगे। देखो हम लोग स्थूल शरीर से कार्य करते हैं और ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, ये शरीर से कार्य हो रहा है। फिर हम जिम में जाते हैं, खामोखाम उठ बैठ करते हैं और वो वेट उठा के नीचे रखा, नीचे को उठाया, ये किस लिए कर रहे हैं? वो शरीर से नहीं कर रहे, वो शरीर पर कर रहे। फर्स्ट वी वर्क बाय द बॉडी, देन वी वर्क ऑन द बॉडी। शरीर पर करने की क्या आवश्यकता है? सो दैट द बॉडी रिमेन्स फिट। अब देखो ना, हम अपने शरीर का सौंदर्य, शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। देखो हम लोग ये नहीं खाते, हम लोग वो नहीं खाते। आई हैव टू मेंटेन माय फिगर, यू नो 36 24 36, भले अभी 62 लाइक ए ड्रम। कितना कितना उसके लिए प्रयत्न करते, एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे। ध्यान से सुनना, हमने अपने मन की फिगर को सुंदर रखने के लिए आज तक क्या किया? महत्व की बात है। शरीर को नहलाते हैं ना, साफ सुथरा रहे, उसको सजाते हैं, लेकिन हमने मन को नहलाया कभी, मन को कभी सजाया है? छठवां अध्याय भगवद गीता का यही हमको बताता है। वी हैव बीन वर्किंग थ्रू एंड थ्रू बाय द माइंड, नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन द माइंड। अच्छा, हम मन के द्वारा कार्य करते माने क्या है महाराज, बताइए। देखो मन के द्वारा कार्य करना माने हर एक के बारे में ओपिनियन देना, डिफॉल्ट सेटिंग्स है। देखो जरूरत नहीं फिर भी अपना बोलते रहना, कहना नहीं चाहिए, लेकिन पड़ोसी की बहू हमारे बहू से अच्छी है। अरे मालूम है महारानी कि कहना नहीं चाहिए तो चुप क्यों नहीं बैठ? ये है मन के द्वारा कार्य करना, किसी का भी इवैल्यूएशन करना, किसी को भी एडवाइस करना, किसी का भी डिसीजन लेना। मुझे लगता है इसकी शादी करा दो ठीक हो जाएगा, अरे तुम कर लो एक बार और, दूसरे को क्यों फंसा रहे हो? ये जो है ना, हमको मन के द्वारा कार्य करने का ऐसा स्वभाव हो गया है
कि हमको मन को संवारना है, यहां समय समय ही नहीं है। देखो जैसे शरीर का स्वास्थ्य महत्व का होता है, उससे हजार गुना ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य महत्व का होता है। जिसका मन स्वस्थ नहीं है वो व्यक्ति कभी भी स्वयं भी प्रसन्न नहीं रहेगा और दूसरे को प्रसन्न देखेगा तो और दुखी होगा। देखो जिस आदमी को नींद नहीं आती किसी भी कारण से और उसकी बीवी ऐसी बढ़िया हो कि बिस्तर पर लेटी और खर्राटे शुरू, तो उस आदमी को और गुस्सा आता है। देखो ये तो सोती रहती है, अरे तुम भी सो ना, कितने नाक आ है। तो जो व्यक्ति स्वयं दुखी है किसी अन्य को सुखी देख करके और दुखी होता है, ये सब अपने मन का खेल है महाराज। इसीलिए छठवें अध्याय में भगवान इस मन को ठीक करने की प्रक्रिया बताते हैं। एक एक चीज पकड़ लो और अपने मन का स्वास्थ्य ठीक रखना है, ये जीवन का लक्ष्य है। पांचवें अध्याय में भगवान ने यही कहा था, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यहां आत्मा शब्द का अर्थ मन है। तो जो हम कर्म करते हैं उस कर्म के द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है या नहीं, इधर ध्यान देना है। नॉर्मली हमारा ध्यान होता है दुनिया में, हमने दुनिया के लिए इतना किया क्या मिला, किसने कहा था। जो व्यक्ति सेवा करके दुखी होता है उसने कभी सेवा करी ही नहीं। एक उदाहरण दो आपको, कैलिफोर्निया की बात है। एक अम्मा ही कहो, 40-45 की होगी शायद। एक लेक्चर के बाद में, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है पर्सनल। मैंने कहा मैं पर्सनल बात किसी से नहीं करता, मेरा कोई पर्सनल है ही नहीं, पब्लिक है। नहीं, मेरी पर्सनल बात है, बताओ। सिर्फ घूमने के लिए निकले, वॉक करने के लिए, और उन्होंने शुरू कर दिया। स्वामी जी जब हम छोटे ही थे, 10वीं 12वीं पास किए थे, हमारी दो छोटी बहनें एक भाई, उसी समय हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो पूरे फैमिली को देखने के लिए कोई नहीं, तो मैंने तब से काम करना शुरू कर दिया। दोनों बहनों को पढ़ाया, शादी कराई, भाई को पढ़ाया, शादी कराई, अब वो सब सेटल हो गए हैं। अब मैं जहां भी जिसके भी यहां जाती हूं, कोई भी नहीं चाहता मुझे। मैंने इतना उनके लिए किया, अब मैं जहां चली जाऊं नोबडी वांट्स, ऐसा दुख होता है, क्या करूं। हमें कहा मुझे मौका मिले तो मैं भी भाग जाऊं तुमसे। लोग क्यों नहीं चाहते हमको। देखो संतो, अच्छा करना एक बात होती है और अच्छा किया ये जताना दूसरी बात होती है। हमारे पंजाबी लोग कहते ना, नेकी कर कुएं में डाल। लेकिन हम एक हाथ चीज करेंगे और 25 बार कहेंगे, देखो तुम जब छोटे थे ना तुम्हारे लिए मैंने ये किया, और किसने कहा था कि करने के लिए। देखो संतो, इसीलिए जो कर्म करते हैं इसमें क्या हमारे अहंकार की पूजा तो नहीं हो रही है। देखो, और हमको लगता है देखो क्या ये हमारे कर्तव्य कर्म नहीं है कि हम अपने पोतों खोतों को समझाएं। कुछ कर्म कर्तव्य अगर कुछ नहीं है, अब बुढ़ापे में आ गए हो, भगवान का नाम लो, हरि नाम लो, शांत रहो। देखो संतो, मन का ध्यान रखना है, दुनिया का नहीं। इसीलिए अब पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निः न च अक्रियः। सन्यासी और योगी की जो परिभाषा है उसमें कहते हैं सन्यासी को अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, टेक्निकली स्पीकिंग, क्योंकि सन्यासी को अग्नि को स्पर्श नहीं करते। इसीलिए सन्यासी को खाना बनाना अलाउड नहीं है, जो मिले खा लो। उसके बाद मरने के बाद सन्यासी को अग्नि नहीं देती, उसको या तो पानी में डुबो देते या जमीन में गाड़ देते, निरग्नि, क्योंकि अग्नि यह कर्म का प्रतीक है, कर्माध्यक्ष है, और जिसने अग्नि को छुआ है वो संसारी बन गया। इसीलिए सन्यासी वो है जो अग्नि से दूर रहे, निरग्नि, उसको कहते सन्यासी। योगी कौन है, कहते हैं अक्रिया। योगी वो है वो कुछ नहीं करता, प्राणायाम ही करता है दिन भर,
भगवान कहते हैं ये सन्यासी योगी ये नहीं है। मेरी परिभाषा सुनो, भगवान की परिभाषा का है अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करो दिया, जो कर्म करता है वो सन्यासी है। देखो जो कर्म का त्याग करता वो सन्यासी नहीं है। एक अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करो दिया। दूसरी बात, कर्म जब करता है उससे उसको कोई अपेक्षा नहीं है दुनिया से। एक बार हम सिंगापुर में थे एयरपोर्ट पर और एक सज्जन हमको मिले, तो स्वामी जी मैं आपको हमेशा सुनता हूँ, मुझे हमेशा एक प्रश्न मन में था, अच्छा हो गया आप मिल गए। पूछो क्या है? बोले आप इतने सालों से दुनिया को बता रहे हैं गीता पर उपनिषद पर, लेकिन दुनिया तो बदलती नहीं, तो आपको दुख नहीं होता? तो हमने कहा मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है दुख होने के लिए? अभी लोगों को मालूम है डॉक्टरों की क्या होती है प्रार्थना भगवान से, सर्वे भवन्तु रोगिनः, रोगी होंगे तभी तो डॉक्टर जिंदा रहेंगे ना। तो उसी प्रकार से हम लोगों की प्रार्थना यही होती है सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः, आप सभी के सभी समझदार बन जाओगे तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? हमारी खुराक तो आपका अज्ञान है महाराज। कहने का तात्पर्य यदि हम ये कल्पना करें हमारे प्रवचनों से दुनिया सुधरती है तो हम गारंटी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। आप लोग नहीं होते, हमको लगता है मेरे कारण मेरा बच्चा ठीक बनेगा और वही बच्चा गुंडागर्दी करने लग जाता है, फ्रस्ट्रेट हो गया, इसके लिए इतना किया, किसने कहा था करने के लिए? देखो अनाश्रिता कर्म फलम, तो हम जो भी कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। ये टाइम पास का सिद्धांत जिस दिन आपके हृदय में उतरेगा समझ लेना पापे दी फुल कृपा, भगवान की पूर्ण कृपा आप पर हो गई। जगत में कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ खोना नहीं है, कुछ लेना नहीं, जब तक है हम टाइम पास करने के लिए बिजी रहो। जैसे घड़ी के काटा चलते रहते उसको कहीं पहुंचना थोड़ी, ऐसे थोड़ी होता है 24 घंटे जब हो गए तो घड़ी भारी हो गई क्यों? यार 24 घंटे हो गए, ये घड़ी की उम्र कितनी है 50 साल की है तो बूढ़ी हो गई घड़ी? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता घड़ी को, चाहे बंद रखो या चालू रखो। इसी प्रकार से हमारा जीवन केवल यहां प्रभु की इच्छा से चल रहा है, तो जहां जहां जो जो करना है बढ़िया से बढ़िया करे और रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स। तो अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करो दिया स सन्यासी से योगी च, वो है सन्यासी वो है योगी। इसीलिए हमारे जैसे लाल पीले कपड़े पहनने वाले सन्यासी नहीं होते, आप लोग सन्यासी हो। हमारे सिद्धांत जरा उल्टे हैं। आपने 2015 का गुरु पूर्णिमा का मैसेज हिंदी में यूट्यूब पर है, जाके सुनना तो सुन लो, उसमें हमने बताया था कि गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य महत्व का होता है, गुरु नहीं। क्योंकि जब तक शिष्य स्वयं को बदलना नहीं चाहेगा गुरु कुछ नहीं कर सकता। हम भले कहे बड़े प्यार से कृष्णम वंदे जगत गुरु, यदि भगवान कृष्ण असल में जगत गुरु होते हैं तो दुर्योधन दुशासन धृतराष्ट्र को क्यों नहीं समझा सकते? ये बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है, कोई भी रोग को ये ठीक करते हैं, केवल वो अपने ही रोग को ठीक नहीं कर पाए। तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य यदि चाहे तो ही सब कुछ हो सकता है, गुरु के कहने से कुछ नहीं होता। और इसीलिए हमारे लिए हमने उसमें कहा था हमारे लिए आप सभी के सभी हमारे गुरु। देखो कैसे आप अपने संसार में इतने बिजी रहते हो, दुनिया भर की समस्याएं हैं, और आप स्पिरिचुअलिटी में फिर भी आते हो और आपकी स्पिरिचुअलिटी फुल टाइम जॉब नहीं है, और हम बाबा जी लोगों का यह स्पिरिचुअलिटी फुल टाइम प्रोफेशन है और फिर भी दुखी रहते हैं, मैं बताओ? इसीलिए सीखना यदि हमको कुछ है तो हमको आपसे सीखना है। इतना दुनियादारी का झमेला है फिर भी समय निकाल के सत्संग में आना,
जैसे जैसे अपनी ये दृष्टि में बदल आता है ना, वैसे वैसे जीवन में नम्रता आ जाती है। जहां नम्रता आ जाती है वही परमात्मा प्रकट होता है। बड़े बड़े जब फ्लड्स आ जाते हैं तो पेड़ उखाड़ के ले जाते हैं, तो वही जो घास होती है नम्रता से झुक जाती है, तो सब पानी जाने के बाद फिर खड़ी हो गई। यही जीवन का सौंदर्य है। इसीलिए ससन्यासी च योगी च न निरग्नि न च क्रिया। तो भगवान का सिद्धांत क्या हो गया, जीवन में रिटायर मत होना, अपने आप को 24 घंटे में 24 घंटे बिजी रखना, और बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ भी सीखो, डजंट मैटर, चाइनीज पढ़ना सीख लो। अभी हम जापान गए थे और वहां एक लड़की को मैंने कहा, यार मुझे ये जो आप लोग इससे लिखते हो ना ब्रश से, वो सीखना है। तो वो आई अपना सब सामान लेकर के, और वो तो एक्सपर्ट थी, फटाफट ब्रश लेकर के क्या 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 बनाया, ये क्या लिखा है तुमने और कैसे पढ़ते हैं। बोले ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसा पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, बोले मैंने लिखा है स्वामी जी। अब उसमें स्वामी लिखे दिख ही नहीं रहा था। तो बोले मुझे सीखना है। किस लिए, बोले मुझे मजा आता है सीखने में। देखो कुछ भी सीखो, भले उसका उपयोग करो या ना करो, सीखने से आपका आप में नहीं, आपका नहीं, आप में जो बालक है वो मरेगा नहीं। हम सब में एक बालक है, उसको जिंदा रहने दो। जब अपने अंदर का बालक मर जाता है तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सीख करके, कंप्यूटर कंप्यूटर क्या करेंगे, फोन फोन का क्या करेंगे, मुझे आता ही नहीं, SMS कैसे करेंगे। ये कोई अच्छी बात है, लर्न एनीथिंग। पिछली बार हमने आपको बताया था, हमारे एक सिंधी मित्र, उन्होंने कहा स्वामी जी पिछली बार आपने कहा था कि सिखा करो, तो मैंने शुरू कर दिया सीखना। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। बोले पूछोगे नहीं क्या सीख रहे हैं, क्या पूछना है, जो भी पढ़ रहा है सीखो सीखो। बोले नहीं मैंने संस्कृत शुरू कर दिया सीखना। संस्कृत इसलिए बुढ़ापे में, बोले इसलिए कि हमने सुना है स्वर्ग में लोग संस्कृत बोलते हैं, इसीलिए संस्कृत पढ़ते जाएंगे तो वहां चाय पानी मंगाना हो तो आसान हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाती है। हमने कहा यू आर रियली सिंधी अप टू द बोन मैरो। तो हमने कहा प्लान बी, निश्चित आप स्वर्ग में ही जाओगे, सत्संग को आते हो ना स्वर्ग में ही जाओगे, समझो प्लान बी। नरक में जाना पड़े तो बोले सिंधी मुझे आती है। देखो आ रहा है, इस समय आपके मन की जो स्थिति है ना, उसको कहते हैं परमात्मा का दर्शन। बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन हमारा ऐसा लगता है कि जैसे पूरे पृथ्वी को सर के ऊपर रखा है और एक टांग पर बैलेंस कर रहे हैं। अरे राम राम, रिलैक्स, डोंट कैरी द बर्डन। ये छोटा सा बालक कितना रिलैक्स होता है, एंड इन ही इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग। हम कलकत्ते में थे, बंगाली सीख रहे थे, तो स्क्रिप्ट को जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब सीखते हैं ना ABCD, कहीं मार्केट में चले जाओ तो वो रुकते हैं, मम्मी को रुको मम्मी BATA, बस उसको खुशी हो जाती है मैंने अंग्रेजी पढ़ ली। वैसे मैं भी ये पढ़ रहा था बंगाली, तो एक दुकान के सामने खड़े हो गए और मैंने पढ़ रहा था, मैं घ डी का दू का न घड़ी का दुकान, ऐसा मैंने जोर से पढ़ लिया। मुझे बड़ी खुशी हो गई कि मैंने बंगाली पढ़ ली। पीछे बंग बंधु से, मोशाय ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है, घोड़ी के दो कान। हम घड़ी का दुकान और घोड़ी के दो कान। कुछ भी सीखो, डजंट मैटर व्हाट यू लर्न। सीखने की प्रक्रिया में आप हमेशा फ्रेश रहोगे, फ्रेश रहोगे।
रिटायर मत होना। अभी एक मैं जगह गया था, बूढ़ी अम्मा, दादी माँ है, उसका पोता जो है कॉलेज में पढ़ रहा है, उनके घर में पहली बार गया। बाहर में खूब सारे बोनसाई प्लांट रखे हुए थे। तो हमने कहा कि एक हमारी अम्मा है, वो बोनसाई का बिजनेस करती है, आपके लिए कोई भिजवा दो। बोले नहीं स्वामी जी, हम खरीदते नहीं। फिर मैंने बनाया है। तुमने बनाए है कैसे? फिर उसने पूरी प्रक्रिया बताई। अब देखो शी इज अबाउट 75, लेकिन उसने बोनसाई प्लांट्स को कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, इतना रस से बताया जैसे एक माँ अपने छोटे बालक के बारे में बताती है, एक एक पेड़ के बारे में। अब उसको क्या मिल रहा है? उसको कुछ नहीं, टाइम पास, सीखो एनीथिंग। तब जाकर के आप में जो चाइल्ड है, बालक है, उसको जिंदा रखना है, उसको मरने मत दो। तो अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्नी न चक्रियः यम संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पांडव न यन्न हि असन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। अब देखो संन्यास और योग एक ही है, अलग अलग नहीं है। संन्यास का तात्पर्य है हमने अपने आप को किसके साथ रखा है। आपने देखा होगा ना, ये बड़े बड़े ब्रिज का, पुलों का शिलान्यास होता है। इस पुल का शिलान्यास अमुक अमुक के कर कमलों के द्वारा किया गया है। न्यास माने रखना। तो संन्यास हमने अपने आप को कहां रखा है? प्रकृति में रखा है कि परमात्मा में रखा है कि संसार में रखा है? तो हमको अपने स्वरूप में रखना है अपने आप को, ये संन्यास है। और जो अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गया उसके लिए प्रकृति अभी कोई समस्या निर्माण नहीं कर सकती। बहुत सिंपल बात है। जैसे जब गहरी नींद आ जाती है तो बाहर की चीजें डिस्टर्ब नहीं करती, देखो, क्योंकि गहरी नींद में मैं नहीं होता, इसीलिए जहां मैं निकल गया वहां नींद शुरू होगी। इसीलिए कई लोग सत्संग में इसीलिए आते हैं, अपने मैं का त्याग करने के लिए, क्योंकि मैं चला गया यहां खर खर शुरू हो जाता है। इसीलिए यम संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पांडव, संन्यास योग एक ही है। और किसको कहते हैं योगी? जब तक के हमने अपने अंतकरण से सभी संकल्पों का संन्यास नहीं किया तब तक के योगी नहीं हुए। ध्यान से सुनना, एक ध्यान की प्रक्रिया में हम हमेशा बताते हैं, जब आप ध्यान के लिए बैठते हो तो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट करनी है। पहली एडजस्टमेंट ये है कि हम प्रसन्न हैं, दुखी होकर के ध्यान को मत बैठना। अरे बाप रे, फिर बैठना, कब तो बैठना है, 15 मिनट ही ना, नहीं, प्रसन्न होकर। दूसरी बात, इस समय हमारे हृदय में हमारे इष्ट देवता और गुरु महाराज है, तो डरने की कोई बात नहीं। तीसरी बात, हम अपने पूरे भूतकाल को डिलीट कर डालते हैं। भूतकाल को डिलीट किया तो अब हम इस समय कुछ भी नहीं, नोबडी। ये चौथी एडजस्टमेंट, मेडिटेशन के बाद क्या करेंगे एक भी संकल्प मत लो। यदि आप ध्यान के लिए बैठे और आपके यहाँ स्वामी जी आ रहे हैं नाश्ता करने के लिए और आपका ध्यान चल रहा है, घर पहुंचने के बाद स्वामी जी के पहले में गाड़ी लेके पहुंच जाऊंगी और वहां फिर स्वामी जी के लिए क्या बनाया, उपमा, प्याज तो है नहीं, पता नहीं वो प्याज खाते हैं कि नहीं, और मेडिटेशन चल रहा, प्याज काट मेडिटेशन करके। एक भी संकल्प आपके मन में रहे आप कभी भी शांत नहीं रह सकते, एक भी संकल्प। और संकल्प उठता है जब आप कुछ बनते हो, बहुत सिंपल बात है। इसी क्षण आप पति पत्नी बन जाओ, दो क्षण के लिए आंखें बंद करके पति और पत्नी बन जाओ और देखो क्या वृत्तियां विचार मन में आते हैं,
अब दूसरा, माँ बाप या बच्चे बन जाओ और देखो क्या विचार मन में आते हैं। अब आखिरी एक्सपेरिमेंट, कुछ मत बनो, रिमेन एज नोबडी। एक्सपेरिमेंट ओवर। अब शुरू, जब हम पति पत्नी बने थे तो विचार आए थे पत्नी पति के रिस्पेक्टिवली, जब हम माँ बाप या बच्चे बने थे तो विचार आए थे बच्चे या माँ बाप के, और जब हम नो बड़ी थे नो विचार। इतनी सिंपल बात है। कोई भी संकल्प का जन्म होता है किसी व्यक्तित्व से। यह जो व्यक्तित्व है इसी को डिसॉल्व करना है हमको। इसीलिए दुनिया भर के संकल्प विकल्प चक्कर में ना पड़े, तीन चीजों का ध्यान रखना। पहली बात, जब आप खुश रहते हो तो किसी को आश्वासन मत देना। दशरथ जी ने खुश होकर के कैकेयी को आश्वासन दिया था, वो रामायण तैयार हो गया। और जब गुस्से में रहते हो तो डिस्कस मत करना, और कंफ्यूज हो तो डिसीजन मत लेना। और सिंपल, ये सभी के सभी तीन चीजें केवल अपने संकल्प से ही निकलती है। संकल्प माने सम्यकत्व की कल्पना। हम एक कल्पना कर लेते हैं, अमुक अमुक ऐसा हो वैसा हो, कोई भी संकल्प नहीं। जैसे हम कार में बैठ करके घर से दूर चले जाते हैं, इसी प्रकार से संकल्प की कार पर बैठने वाला अहंकार घर से माने अपने स्वरूप से बाहर भटकने लग जाता है। इसीलिए नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। तो केवल यही समय ध्यान रखना है कि हमारे मन की स्थिति क्या है। एक गुस्सा तो नहीं आ रहा है, किसी के प्रति राग द्वेष निर्माण नहीं हो रहा है, कोई अपना पराया तो नहीं तैयार हो रहा है, कहीं बोर तो नहीं हो रहे है, कुछ बोलने की तो नहीं इच्छा हो रही, बोलू बोलू बोलू। देखो, एक और सिंपल टेक्निक बता दे, ट्राई करना, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। बोलने के पहले एक प्रश्न अपने आप से पूछ लेना, क्या बोलना आवश्यक है। आपको गारंटी देता हूं मैं, 99% केसेस में आपको उत्तर मिलेगा कोई आवश्यकता नहीं। हम बोल देते हैं फिर फ्रस्ट्रेट होते, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, अब मालूम है मुझे चाहिए, क्यों बोलते हो। जैसे आदमी को उल्टी आती है ना, तो आदमी रोक नहीं सकता, वो निकाल ही देता है। इसी प्रकार से ये बोलने की उल्टी आती है, देखो इसको रोकने के लिए ये प्रश्न पूछो, इज इट नेसेसरी टू टॉक। आप एकदम सहज शांत रहने लग जाओगे। यही है आध्यात्मिक साधना। हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़ पा रहे और कोई आपके ऊपर स्टैंप नहीं लगा रहे .com .no.com। इसीलिए नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। और आगे कहते हैं, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अब जो व्यक्ति इस योग की स्थिति में माने मन को निसंकल्प करने की स्थिति में पहुंचना चाहता है, उसके लिए कर्म करना आवश्यक है। और कर्म करते समय ये देखना है कि क्या कर्म हमारे संकल्प से हो रहे हैं कि कर्तव्य के कारण हो रहे हैं, और कर्म करते समय क्या कर्तृत्वाभिमानी कर्ता निर्माण हो रहा है, ये सब देखना है, उसके लिए कर्म करना है। तो महाराज, कर्म का त्याग नहीं होता। कर्म किसको कहते हैं इसको पहले समझते हैं। क्रिया जमा कर्तृत्वाभिमान इज इक्वल टू कर्म। पत्नी किसको कहते हैं, स्त्री जमा पति की परेशानी इज इक्वल टू पत्नी।
अब ये पत्नी को पति पत्नी को स्त्री बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली संभावना, क्या पत्नी स्त्री बन सकती है? नहीं। क्यों? वो ऑलरेडी स्त्री है, उसको बनने की कोई जरूरत नहीं। देखो, स्त्री तो पत्नी बनेगी, ये पत्नी स्त्री नहीं बन सकती, वो ऑलरेडी है। तो स्त्री होना, पत्नी बनना, ये जो बनावटी है वो दुखी है, स्त्री दुखी नहीं है। देखो, तो क्या करना पड़ेगा पत्नी को दुख से हटने के लिए? डोंट टेक हस्बैंड सीरियसली। देखो, डोंट टेक हिम एट ऑल। लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ है। अरे वो तो बेवकूफ भाई ही है, तुमसे शादी करने से ही सिद्ध हो गया। समझदार तुमसे कोई शादी करना? डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली फ्रेंड्स, टेक लाइफ लाइटली। हमारे यहाँ ऐसा विचित्र हो गया, अभी मैं जापान से आया, मुझे वहां ऐसे लगा कि जाकर के मैं लोगों को स्क्रू ड्राइवर लेकर के उनके बगल में घुमा हूं ताकि हंसे। एक भी जापानीज हंसता नहीं, कैन यू बिलीव इट? सभी के सभी जैसे स्टैचू के स्टैचू। सत्संग में बैठते थे वहां, मैं अंग्रेजी में बोलता था, उसको जापानीज में ट्रांसलेशन होता था, और सभी के सभी ऐसे बैठे। तो मुझे कई बार लगता था कहीं मैं कुर्सियों से तो बात नहीं कर रहा हूं। किसी के चेहरे पर कुछ नहीं, आंखों में तेज नहीं, कुछ नहीं, ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम बिल्कुल हिलना नहीं डुलना नहीं, कुछ नहीं, जैसे मिलिट्री की डिसिप्लिन हो, पक्के बैठो। देखो, इसीलिए अपने मन के द्वारा कार्य करने के लिए पहले कर्म करो, लेकिन उस कर्म में कर्तृत्वाभिमान न होने दे। तो कर्तृत्वाभिमान नहीं होने का कारण क्या है? समझदारी। देखो, जिस कर्म से सुख दुख निर्माण होते हैं वो कर्म है, जिस कर्म से सुख दुख निर्माण नहीं होते वो क्रिया है। अब उदाहरण ले लो, एक बार हम गए खाना खाने गए थे और एक अम्मा हमारी तरफ बड़ी चाव से देख रही थी। तो हमने कहा अच्छी बात है, तो लिया मैंने और चपाती सब कॉकटेल बना करके, और जब मैं खा रहा था उसने अपना मुंह ऐसा किया, क्योंकि तादाद में हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि अम्मा इधर आओ आगे। तो मैंने कहा देखो, मैं खाने के पहले भगवान कृष्ण को पहले अर्पण करता हूँ, आज मेरे लिए आप भगवान कृष्ण हो। वो खुल गई, मुझे आगे खिला दी। प्यार भी कुछ नहीं था, रिस्क फैक्टर था। तो उसके पश्चात खाना पीना हो गया, फिर वो आगे, स्वामी जी अब क्या होगा? क्या हो गया? एकदम रोने लग गई। क्या हो गया? स्वामी जी आज की एकादशी, आपने मुझे चावल चपाती खिलाया, अब क्या होगा? डरने की क्या बात है, डायरेक्टली नॉन स्टॉप हेल, तुम नरक में जाओगे। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसे मजाक मत, मजाक नहीं, सीरियस। अब ध्यान से सुनना, मैंने खाना खाया उसमें मैं खाने वाला पैदा हो गया था। तो खाना पेट में जाने के बाद मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं, ये भाव निर्माण होता है क्या? डोंट डिस्टर्ब, डाइजेशन इन प्रोग्रेस। नहीं, क्योंकि वहां मैं डाइजेस्ट करता हूं ये भाव निर्माण नहीं होता, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पुण्य और डिसेंट्री हो गई तो पाप। इसीलिए भगवान जब कहते हैं आरुरुक्षो गुणयोग कर्म कारण मुच्यते, कर्म ऐसा करे कि जिसमें यह मैं प्रकट ना होवे, तब जाकर के धीरे धीरे अंतकरण शुद्ध होने लगेगा। और फिर आगे कहते हैं योगारूढस्य तस्यैव, जब आप में से यह मैं निकल गया तो आपके माध्यम से एक भी कर्म नहीं होगा। भगवत गीता का यह सिद्धांत 18वें अध्याय में भगवान फिर रिपीट करते हैं, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निवर्त्यते। जिसके अंतकरण में मैं कर रहा हूं ये भाव निर्माण नहीं होता, वो कोई भी कर्म नहीं कर रहा।
क्योंकि कर्म का निर्माण होने के लिए कर्तृत्वाभिमानी होना आवश्यक है। जैसे आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स देख लो, आपके पूरे पेपर तैयार हो गए और यदि वो नोटरी के सामने ऑथेंटिकेट सिग्नेचर नहीं हुई तो दे आर नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, इज इट नॉट? तो उसमें ए डॉक्यूमेंट बिकम्स ए डीड व्हेन इट इज ऑथेंटिकेटेड। उसी प्रकार से एक्शन बिकम्स कर्म व्हेन एसोसिएटेड विद द डूअरशिप। कितना सिंपल है। इसीलिए जिसने यह योगारूढ़ से तस्यैव, जैसे हम योगारूढ़ हो गए माने अब हमारे दिमाग में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये करना है, वो करना है, ये कचरा निकल गया है, उसके लिए शमः कारण उच्चते, फिर वो अपने आप शांत रहता है। कुछ करना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं चौथे श्लोक में। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अब कैसे पता चले कि हम योगारूढ़ हो गए, अब हमने योग में सिद्धि प्राप्त कर ली है? ये यहाँ उनके लक्षण बताते। पहले इंद्रियार्थेषु न सज्जते, जो विषयों के प्रति आकर्षित होकर के विषयों का गुलाम नहीं बनता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कर्मसु न अनुसज्जते, और जो कर्म में फंसा नहीं है, ये करना वो करना ऐसा करना वैसा करना। एक ट्राई करके देखो, ये बहुत सुंदर टेक्निक है। अपने ही कमरे में कुर्सी पर जहां बैठना है बैठ लो और कुछ मत करो, 5 मिनट के लिए टाइम वेस्ट करना है बस। क्या बता रहे हैं आप महाराज, हम तो जिंदगी भर ही कर रहे हैं। देखो, यही यदि आपने रियली ये किया होता तो आपके मन में ग्लानि निर्माण नहीं होती। मैं कुछ नहीं करता, ये भी कर्तृत्वाभिमान है। यदि कर्म निर्माण नहीं होगा तो मन पर संस्कार निर्माण नहीं होते। अच्छे कर्मों का अभिमान और बुरे कर्मों की ग्लानि, ये दो बोझे बुढ़ापे में व्यक्ति को परेशान करते हैं। जब मैं जवान था उस समय मैंने अमुक अमुक नहीं करना चाहिए था, पता नहीं भगवान क्यों मैंने किया। अब बुढ़ापे में पूरा टाइम 24 आवर्स फ्री, तो फिर क्या, वही पुराने मुर्दे उखाड़ उखाड़ करके उसी की बातें हो रही है अपने ही आप से। इसीलिए मन पर संस्कार निर्माण न होवे, इधर हमको ध्यान देना है। तो न इंद्रियार्थेषु, न विषयों से, न कर्मसु, न कर्म से जो आसक्त है, और सर्व संकल्प संन्यासी, तीसरी बात, किसी भी प्रकार के संकल्प ना ले। कोई संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों ने कर्मकांड किया होगा ना, उसमें पंडित जी आकर के बोलते, हाँ जी ये जो आर्य समाज का पता नहीं मुझे, लेकिन ये बाकी के पंडित जी हाथ में चावल देंगे, फूल देंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और वो ढको और फिर बताएंगे, अमुक अमुक देश में, अमुक अमुक काल में मैं अमुक अमुक का पोता, अमुक का नाता, और अमुक अमुक कार्य के लिए ये संकल्प करता हूं। जब तक के संकल्प नहीं होता तब तक के कर्म नहीं होता। ये सर्व संकल्प संन्यास है, अब कोई भी संकल्प नहीं करना। आज सुबह हमको 3:30 बजे निकलना था एयरपोर्ट जाने के लिए, और रात को कल हम सोए थे 12 बजे के करीब, तो 3 घंटे को नींद। तो अब जब सोए तो दिमाग में संकल्प था कि सुबह में 3:30 बजे नहा धोकर के एयरपोर्ट पर निकलना है। तो 12 बजे से 3 बजे तक कम से कम 30 बार में उठ के देखा, एक भी संकल्प आपके मन में रहे तो पूरा सत्यानाश, रात की रात खत्म हो गई। देखो, और हमारे अंतकरण में संकल्पों का हिमालय है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इसीलिए ज्यादा विचार मत करो। तो सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते।
और इसीलिए भगवान बताते हैं दूसरे की जिम्मेदारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। ये भगवद गीता का मूल वाक्य है। जैसे हम लोग समझो क्लास में बैठे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उदाहरण के लिए समझो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। एक बच्चों को पूछा टीचर ने, सुधा तुम्हारा ध्यान नहीं रहना, बताओ पानी का क्या फार्मूला होता है। वो बच्चा विचार कर रहा, क्यों नहीं आना, आता है सर, जो बता विचार करके बताता हूं। HIJKLMNO ये क्या है? अरे H2O। H से लेकर के O तक के हो गए ना, HIJKLMNO। तो मैं यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आप में से एक विद्यार्थी उठ के ऐसा कहेगा क्या, सर उसको समझ में नहीं आया। जब क्लास में हम होते हैं तो हमारा ध्यान होता है हमको समझ में आया कि नहीं, दूसरे का नहीं। इसी प्रकार से इस दुनिया में, इस यूनिवर्स है, इस यूनिवर्सिटी में जो हम आए हैं अपने उद्धार करने के लिए आए हैं। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। उद्धरे आत्मनात्मानम, हमको अपना उद्धार करना। उद्धार करना माने क्या? उत माने ऊपर, हर माने उठाना, अपने आप को ऊपर उठाना है। अभी हम फंसे हैं प्रकृति में, प्रकृति के विकृति में, इंद्रियों में, मन के विकारों में, वही फंसे, वहां से हमको अपने आप को ऊपर उठाना है। उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे, अपने आप को नीचे मत गिरने। और ये कब होगा? आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हमारा ही मन हमारा मित्र है और हमारा ही मन हमारा दुश्मन है। हमारा सबसे बड़ा समस्या निर्माण करने वाला कोई होगा, अपना ही मन है और कुछ नहीं। जो हमारा मन सोचता है हमारा दुश्मन भी नहीं सोचता। हमारा मन इतना भयानक है, कंट्रोल है ही नहीं इस पर। तो आत्मैव आत्मनो बंधु, हमारा मन ही हमारा मित्र है और शत्रु है। कब है वो बंधु और शत्रु? बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जीता। जिसने अपने मन को पूरा जीत लिया है, यह जीता हुआ मन हमारा मित्र है। और जब मन हमको जीत लेता है तो वही मन हमारा शत्रु बन जाता है। एक उपनिषद है अमृत बिंदु उपनिषद, उसमें ये मंत्र आता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो बंधाय विषयासक्त मुक्तम निर्विषय स्मृतम। हमारा मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। जब ये मन विषयों के प्रति दौड़ता है तो ये मन हमारे बंधन का कारण बनता है। जब यह मन विषयों से मुक्त हो जाता है तो यही मन हमारे मोक्ष का कारण बनता है। इसीलिए यहां भगवान कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है, जीता हुआ मन हमारा मित्र है। जब मन हमको जीत लेता है तो वही हमारा मन हमारा शत्रु बन जाता है। देखो महाराज, इसके लिए, इस मन को जीतने के लिए हमारे शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के उपवास या व्रत बताए हैं। देखो जैसे चातुर्मास में जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो सोचते हैं कि चातुर्मास में प्याज लहसुन मांस मच्छी इत्यादि नहीं खानी चाहिए। अच्छी बात है, मत खाओ। लेकिन फिर क्या करते, जैसे चातुर्मास पूरा हो गया उसके बाद चाय में भी लहसुन का तड़का, क्योंकि 4 महीने नहीं खाया था। उससे हमको सीखना है। व्रत का तात्पर्य यही है कि किसी भी वस्तु पर हम अवलंबित ना रहे, ये सीखना है। कई बार हमको ये समझ में नहीं आता कि हाउ मच वी आर डिपेंडेंट ऑन द थिंग्स,
एक छोटी सी चीज ना हो तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है। देखो जगत की किसी भी वस्तु पर व्यक्ति पर परावलंबी ना रहे। एक श्लोक आता है महाभारत में, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। जो परावलंबन है वह दुख है और जो स्वावलंबन है वही सुख है। देखो हमारा परावलंबन वस्तु पर होता है, व्यक्ति पर होता है, इतना परावलंबन होता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हम उसके सिवा रह सकते या नहीं। इसीलिए जब हम जाते हैं ना हमारे रिट्रीट्स में या कैंप्स होते हैं ना, उसमें हमें बताते हैं लेकिन सब मानते नहीं, दो में से एक को आना है, या तो पति आवे या तो पत्नी आवे, दोनों साथ साथ ना जाए। कारण क्या है? एक ने पूछा, इसलिए कि वहां भी जाएंगे तो वही घर का संसार वही शुरू हो जाएगा। सो उठने के बाद पति तपावन सीताराम वही कहेंगे, मेरा ब्रश कहाँ है? घर में वही घर है, वहां भी वही घर। फिर वो डांटेंगे, दिखता नहीं क्या? फिर हाँ दिख गया। छोड़ करके जब डांट नहीं खाते तब तक कि पेट खाली नहीं होता, आदत पड़ गई। ये जो परावलंबन है इससे हमको अपने आप को बचाना है, इसके लिए व्रत करना है। दूसरी बात, व्रत करने का तात्पर्य अपने आत्मविश्वास को जागृत करना है। हम कर सकते हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। कई लोगों का यही होता है, स्वामी जी आप जो बता दें वो ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर कमिटेड। इसीलिए यहां भगवान कहते हैं, जिसने अपने मन को जीता है वही मन उसको बंधु के जैसा है, मित्र के जैसा है। और यदि हमारा मन हमको नचा रहा है तो फिर हमारा ही मन हमका हमारा सत्यानाश करेगा। इसीलिए ये होने के पश्चात अब सातवें श्लोक में भगवान बताते हैं, ये मन पर पूरा हमने एक्टिंग किया, उस पर कार्य किया, ये बताने के पश्चात अब भगवान बहुत महत्व का सिद्धांत बताते हैं। परमात्मा की उपलब्धि किसको कहते हैं? हमको भगवान के दर्शन हो गए माने क्या? हम आपको नाम काम कुछ नहीं बताएंगे। एक हमारे मित्र है, हजारों लाखों उनके फॉलोअर्स हैं और उनका बड़े आश्रम भी है और उनके आश्रम में एक दिन मनाते हैं। वो दिन है महाराज जी को भगवान के दर्शन हुए थे तो दर्शन दिन करके उस आश्रम में बड़ा उत्सव होता है। तो एक दिन दिखे चले गए, अब आते ही नहीं, ऐसा भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान नित्य है, भगवान सर्वव्यापी है, इसीलिए भगवान का दर्शन क्षणिक नहीं होता। नित्य का दर्शन अनित्य कैसा होगा? सर्वव्यापी है तो भगवान का दर्शन वही जाकर के हुआ, बाकी नहीं हुआ? नहीं। तो भगवान का दर्शन, भगवान की अनुभूति, गॉड रियलाइजेशन किसको कहते हैं? अब इसको आज पकड़ लो, सब अपने आप साधना होती रहेगी। केवल दो बातें भगवान ने बताई, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। पहले शीत उष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, जिसके जीवन में आने वाले जो द्वंद्व है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय स्वास्थ्य रोग जन्म मृत्यु, ये जितने भी द्वंद्व है, इन द्वंद्वों के द्वारा जिसके मन का संतुलन बिगड़ता नहीं उसको परमात्मा मिल चुके। अब इसको लगाओ अपने हर एक अनुभूति में। उदाहरण ले लो, हमारी आंखें लाल रंग देख रही है, पीला रंग देख रही है, हरा रंग देख रही है, आंखों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? कान सभी शब्द सुनते हैं, डिस्कोर्स भी सुनते हैं, डिस्को भी सुनते हैं, कानों पर कोई प्रभाव है? मन में सभी विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं,
मन पर विचारों का प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से ये जो चेतन सत्ता जो हम है, इसमें जागृत भी आती है चली जाती, स्वप्न आके चला जाता है, सुषुप्ति आके चली जाती है, समाधि लग के टूट जाती है, लेकिन हम जो चेतन सत्ता है जो कहते हो ये हमारा स्वरूप है संतो। हमको करना कुछ नहीं है, केवल अपने स्वरूप को पहचानना है। बहुत सिंपल है, इसीलिए यहां कहते हैं जिसने अपने मन के विक्षेपों को जीत लिया है। अब ध्यान से सुनना अच्छी तरह से। जिस प्रकार से लहरें समुद्र को ढक देती है, पहला उदाहरण। दूसरा, जिस प्रकार से समुद्र पानी को ढक देता है, इसको समझ लो ठीक से। लहरें समुद्र को कैसे ढकती है, हम देखते हैं समुद्र को और बातें करते हैं लहरें की, भयानक लहरें आ रही है, देख रहे हैं समुद्र, बातें हो रही लहरों की, देख रहे हैं पानी और कहते समुद्र में पानी गहरा है, समुद्र में पानी है कि पानी में समुद्र है। देखो आप अपने में आ जाओ। रूप रंग हमारे दृष्टि को ढक लेता है, शब्द हमारे श्रवण शक्ति को ढक देते हैं, वृत्तियां हमारे मन को ढक देती है, मन चैतन्य को ढक देता है। देखो इसीलिए यह भगवान कहते हैं यदि मन किसी भी प्रकार के द्वंद्वों से प्रभावित न होए, उसी मन को चैतन्य कहते हैं। देखो जैसे यदि पति पत्नी के द्वारा प्रभावित न होवे, तो जैसे वो शादी के पहले प्रसन्न था, शादी के बाद भी प्रसन्न रहेगा, उसको पत्नी को त्यागने की आवश्यकता नहीं, झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। इतना ही याद रखना है कि पति आदमी को ना ढके। अब मुझे बताओ, पति और आदमी को अलग अलग करके दिखा सकते हैं क्या? इसी प्रकार से मन ही चैतन्य है, यदि मन में से विक्षेप निकाल देवे, विक्षेप रहित मन ही चैतन्य है। जैसे बर्फ का टुकड़े ले लो और पानी ले लो, यही दो अलग अलग है। जब पानी को एक आकार विशेष दिया जाता है तब उसको बर्फ कहते हैं, है तो पानी ही ना। तो यदि उसका आकार मिटा दिया जाए, आकार मिटाने के लिए करना कुछ नहीं है, केवल उसको पानी में डाल दो, अपने आप समय से वो बर्फ का टुकड़ा पानी में ऐसा मिल जाएगा, उसको अलग नहीं कर पाओगे आप। इसी प्रकार से अपने मन को चैतन्य में डाल दो, यही आध्यात्मिक साधना है। तो बर्फ का पानी होता है माने क्या, ध्यान से सुनना। बर्फ माने उसमें एक विशेषता है, नाम है रूप है, पानी में नाम नहीं रूप नहीं। इसी प्रकार से मन में विक्षेप है, जहां मन के विक्षेप शांत हो गए वही चैतन्य। इसीलिए इस दुनिया में रहते समय सबसे मूल्यवान वस्तु यदि कोई है तो अपने मन की शांति। जो व्यक्ति किसी अन्य के कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है। स्वयं दुखी ना होवे, और जो व्यक्ति स्वयं दुखी नहीं होता वो अन्य को दुखी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं दुखी होता है वो अन्य को सुखी नहीं देख सकता। देखो जैसे हमने आपको पिछली बार बताया था, एक अम्मा हमारे सत्संग के बाद ऐसे गुस्सा कर गई हम पर, स्वामी जी आप हमारी मजाक उड़ा रहे, मौज में रहो मौज में रहो। कैसे मौज में रहे, शादी करके दिखाओ, मौज में रहो। मैंने शादी करना ये कोई लाइसेंस हो गया दुखी होने के लिए,
डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल. देखो इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि माने इतना ही है. पहली स्थिति शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः. और ये समझदारी से होगा, ध्यान से सुनना. जगत का कोई भी अनुभव ले लो आप, उसमें ये ऑप्शन रहेंगे. पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है. सत असत, जिस अनुभूति में ये सत असत का ऑप्शन है, वहां हम मन में हैं. जहां हम सत असत के परे चले गए, वहां हम चैतन्य में पहुंच गए. अब उदाहरण से देखो, ये हमारे हाथ में क्या है, पुस्तक है, और हमने निकाली. अब हमारे हाथ में क्या है, पुस्तक नहीं है. तो हमने इस पुस्तक को दो प्रकार से देखा, है और नहीं है. इस समय जागृत अवस्था है, स्वप्न नहीं है. इस समय प्रकाश है, अंधकार नहीं है. स्वास्थ्य है, रोग नहीं है. हर एक अनुभूति में ये दो ऑप्शन होते, अस्ति नास्ति प्रत्यय जिसको कहते टेक्निकल. अब ऐसा अनुभव देखो जिसमें है नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो आप पहुंच जाओगे अपने स्वरूप में. हमको कभी यह अनुभव आता है क्या कि मैं नहीं हूं? यदि मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं आता, तो मैं हूं कहने की जरूरत है? लेकिन जहां हम सुख दुख में फंसे हैं, तो मैं सुखी हूं माने दुखी नहीं, यहां मैं दुखी हूं माने सुखी नहीं, मुझे लाभ हुआ माने हानि नहीं हुई, मुझे हानि हुई माने लाभ नहीं हुआ. हमारा पूरा जीवन इन द्वंद्वों में ही फंसा हुआ है. इसीलिए जगत में व्यवहार करते समय इधर ध्यान देना है, कहीं हम इन द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं. क्या ध्यान देना है? शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः. हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं, मतलब है अपने मन की शांति से. मन शांत रहे, दुनिया को जाने दो बाहर में. दुनिया ऐसी रही है, दुनिया में आज तक कोई किसी का सुधार नहीं सका, कोई किसी का बिगाड़ नहीं सका, ऐसे ही चलता रहेगा. देखो अब टेररिज्म को लेकर के इतने लोग कूद रहे, फुदक रहे हैं. हमारे हिटलरानंद महाराज ने कितने जुओं को मार दिया था, करोड़ों को, लाखों को, मिलियंस को मार दिया, उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं. महाभारत रामायण के युद्ध में कितने लोग मरे थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कितने मरे थे, अभी कुछ भी नहीं. ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है. ये नथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड. लेकिन हम ड्राइंग रूम में बैठ करके परेशान होते रहते हैं. इसीलिए शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः. अब देखो बड़े बड़े साधु संत जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शिवानंद महाराज, ये उसी समय हुए थे जब हमारे देश का ये जो फ्रीडम फाइट चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट. क्या उनके मन में देश के प्रति प्रेम नहीं था? हम कह सकते हैं कि वो देशभक्त नहीं थे, और हम भी बड़े देशभक्त हैं. देखो जीवन में महत्व किसको दिया है. इसीलिए पहले परमात्मा की उपलब्धि का पहला लक्षण, मन हर एक हालत में प्रसन्न है. शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः. मन सबसे महत्व की वस्तु है. और दूसरी बात, मानापमानयोः प्रशांतस्य. जीवन में व्यक्ति जब आते हैं तो मान अपमान का प्रसंग आता है, और वस्तु जब आती है तब सुख दुख का प्रसंग आता है. तो जो व्यक्ति सुख दुख के कारण और मान अपमान के कारण विचलित नहीं होता, वह स्वयं परमात्मा स्वरूप है. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.